और आए दिन हमारी बेटियों के साथ जुल्म और जबर का शिकार होती हैं, उस पत्थर को अपने रास्ते से हटा दें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि सलीब हमारा फखर है, हम मसीही सलीब पर फखर करते हैं, और मैं सानिया जड़ा वाला के मसीहों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरे बदन की कलम बना मौला, कि तेरा नाम हमामा से लिख जावा, कि मेरे खून की लाल से आई होवे, कि मैं लिखदा लिखदा मुक जावा, कि बन जावा खराक में भुखियां दी, इस बदन नु खर्चदिया मुक जावा, कि मैनु प्यार दे जख्म लगा शाफी, ते जख्म तेरियां दे विच मैं छुप जावा। मैं पाकिस्तान के अंदर ये बताना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, जिसकी इस रियासत ने दर्जियां उड़ा दी हैं। आर्टिकल 16 और 25 और 30 मसीहों के बुनियादी हकूक की अकासी करती है, जिसको रियासत नाकाम हो चुकी है कि अपने ये हमेशा अपने मजहबी कार्ड खेलती है। और रियासत जो के मसीहों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, और आज के इस मौका पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, काश कायद आजम जिंदा होते और देखते कि हमारे मसीही लीडरों ने इनके साथ क्या वफा की, और इनके साथ जो पंजाब सबसे बड़ा पंजाब पाकिस्तान का सूबा है उसको बनाने में मदद की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।